कैसे हो आप सब। मैं संजय सर अपोजी कोचिंग सेंटर से अब आज फिर आपके सामने लेके आया हूँ आईसीटी का, कंप्यूटर अवेयरनेस का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। जिन बच्चों ने भी पहला लेक्चर मेरा देखा नहीं है तो प्लीज़ पहला लेक्चर आप मेरे यूट्यूब चैनल से जाकर देख सकते हैं। और पहले लेक्चर के अगर कोई भी बच्चा है प्रैक्टिस सेट लगाना चाहता है तो अपोजी, तो वो जा सकता है अपोजी study.com, एक वेबसाइट है हमारी, उस पे जाके बच्चा प्रैक्टिस सेट दे सकता है अपोजी study.com पर। आज सेकंड लेक्चर में अब हम करने वाले हैं आपके जनरल एब्रीवेशन करेंगे। इसमें से हर एग्जाम में आता है, 2 मार्क्स का आता है एटलीस्ट। जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं, लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा सभी लोग, लास्ट तक जितने भी बच्चे में लास्ट तक कोई भी लेक्चर में लास्ट तक देखते हैं तो आप पाते हो कि आप बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और एटलीस्ट 1 मार्क्स यहाँ से आपका कन्फर्म हो जाएगा। एटलीस्ट 1 मार्क्स यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा, मेरी गारंटी है। मेरे पूरे कंप्यूटर साइंस के जितनी भी सीरीज मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, अगर कोई भी बच्चा पूरी सीरीज विजिट करता है, देखता है, स्टडी करता है, लर्न करता है, तो उसके बाद उसके कंप्यूटर अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चन है उसकी एक्यूरेसी हो जाती है 90%। जैसे हम बात करते हैं एब्रीवेशन को स्टार्ट करते हैं एडी से। एडी मतलब एनालॉग टू डिजिटल। एनालॉग सिग्नल कौन से होते हैं जो आपकी वायर पे ट्रेवर्स करते हैं, जैसे ये। डिजिटल सिग्नल किस फॉर्म में होते हैं, 0-1 की फॉर्म में होते हैं। तो एडी मतलब एनालॉग टू डिजिटल। एसीएम, एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का यूज कहाँ पे किया जाता है, जैसे रोबोटिक्स में यूज किया जाता है, रोबोटिक्स वगैरह में यूज किया जाता है एआई का। एल्गोल, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सभी बच्चे जानते हैं। अर्पानेट, एडवांस ए मीन्स एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एस्काई वैल्यू क्या होती है, काफी सुना हुआ। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी जो भी हम टाइप करते हैं कंप्यूटर में, ए कंप्यूटर तो ए समझेगा नहीं, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको पार्टिकुलर किसी वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, लाइक 65, 66, तो इसको बोलते हैं एस्काई वैल्यू। बेसिक, बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बायोस, जैसे बायो सेटअप, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बीप्स, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। बीपीआई, बाइट्स पर इंच। कैड, कंप्यूटर एडिड डिजाइन। कई बच्चे सीखते हैं, जैसे कैड होता है, कैम होता है। कैड कैम क्या होता है भाई, डिजाइन किसी का भी हो सकता है, सिविल इंजीनियरिंग का अलग कैड होता है, यानी कंप्यूटर में जो डिजाइन बनाते हैं, लाइक कार का बना दिया, कोई बिल्डिंग बना रहे हो बिल्डिंग का बना दिया कैड, किसी का भी कैड हो सकता है, ब्रिज का कैड बना सकते हैं। कैन का कैंपस एरिया नेटवर्क, देखो इसके साथ कई वर्ड आते हैं, कैन कैंपस एरिया नेटवर्क याद रखना, आगे आएंगे। लैन लोकल एरिया नेटवर्क। मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। वैन वाइड एरिया नेटवर्क। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। इस लेक्चर के लास्ट में आप सभी बच्चे देखेंगे कि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में, इसलिए मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। केस, कंप्यूटर एडिड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी तो आपने सभी ने देखी होगी जो कंप्यूटर में यूज करते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडीआर, सीडी रिकॉर्डेबल। सीडी रोम, देखो सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। सीडीआरडब्ल्यू, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। सीएल, कमांड लैंग्वेज। सीएल मींस कमांड लैंग्वेज। सीएलआई, कमांड लाइन इंटरफेस। कोबोल, दो लैंग्वेज आई थी भाई स्टार्टिंग में, एक आई थी फोरट्रेन, एक आई थी कोबोल। जो कोबोल होती थी वो बिजनेस पर्पज के लिए आई थी आपकी, जो फोरट्रेन आई थी वो इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए डेवलप हुई थी। काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कोबोल का, किस पर्पज, बेसिक किस पर्पज़ के लिए आई थी, बिजनेस पर्पज़ के लिए। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। डीए, डिजिटल टू एनालॉग। डेट, डिजिटल ऑडियो टेप। डीबीएमएस, डी मतलब डाटा, बी मतलब बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएस, डिमांड बेस्ड स्विचिंग।
DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDS डिजिटल डाटा स्टोरेज। तो ये सारे बच्चे याद करते हुए चलेंगे, रिवाइज करते हुए चलेंगे, लर्न करेंगे इनको। DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, DNA डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, DPI डॉट्स पर इंच, एक इंच में कितने डॉट हैं, DRAM डायनामिक रैम, एक DRAM होती है एक SRAM भी होती है स्टैटिक रैम, DVD जैसे मैंने पीछे भी करवाया था डिजिटल वीडियो डिस्क, या पेपर में आएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, एडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, स्टार्टिंग में यही आए थे, इनियाक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, EPG इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड, EPROM देखो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, PROM होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, FAT होती है फाइल एलोकेशन टेबल, FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, FLOPS फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, FM जैसे जो आप FM सुनते हो ना, सभी बच्चे सुनते होंगे FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, GB गीगाबाइट पहले लेक्चर में करवा चुका हूँ, GHZ गीगाहर्ट्ज़, GPRS आपने मोबाइल में देखा हुआ जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, HP हेवलेट पैकयार्ड, HTML हाइपर, काफ़ी एग्जाम में आ चुकी है, इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग याद करो इसको, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IBM कंपनी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, लास्ट लेक्चर में बताया था IP, सभी बच्चे एक बार बताएंगे मेरे को, दो प्रकार के IP होते हैं IPv4 IPv6, IPv4 होता है आपका 32 बिट का, IPv6 होता है 128 बिट का आपका, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, JPEG ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, एक होता है MPEG मूवेबल पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, KB किलोबाइट, JSP जावा सर्वर पेजेज, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट एमिटिंग डायोड, LPM लाइन पर मेंट, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मैंने पहले भी बताया था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MBR मेमोरी बफर रजिस्टर, MHZ मेगा जेड MIDI इंटरफेस होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इंपोर्टेंट है भाई, सभी बच्चे नोट करेंगे इसको, काफ़ी इंपोर्टेंट है, MIPS मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, इससे पहले आया था BIPS बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, देखो ये आ गया ना MPG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, अभी सभी बच्चे बताएंगे मेरे को JPEG क्या होगा, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, MS-DOS MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, देखो ये होता है आपका OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्नाइजेशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, MICR पहले लेक्चर में करवा चुका हूँ मैं ये, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, OS ऑपरेटिंग सिस्टम, OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो करवा चुका हूँ, लाइनक्स वगैरह जो होते हैं आपके ओपन सोर्स होते हैं, PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, PC पर्सनल कंप्यूटर, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDL प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, QoS क्वालिटी ऑफ सर्विस, RAM पता ही सभी बच्चों को रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM रीड ओनली मेमोरी, HDSC मॉडल होता है आपका जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं उनको पता ही है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SIM सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, SNA सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर, SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जैसे SRAM मैं पहले बचा चुका हूँ स्टैटिक रैम, DRAM मतलब डायनेमिक रैम, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो आप डालते हो ना www.apogeestudy.com, तो ये क्या होता है आपका URL, TB टेराबाइट, TCP ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल,
TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, USLI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, WAN वैल्यू एडिड नेटवर्क, VCR वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे, VOD वीडियो ऑन डिमांड, VOIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, WiMAX वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WOM राइट वंस रीड मैनी, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट है आपका SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, VDI वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, AI आपने पहले ही आ चुका है, ASR ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, DL डीप लर्निंग, ML मशीन लर्निंग। अब सभी बच्चे देखेंगे ये आपके UGC नेट में भी आया हुआ है पेपर में, तो ये भी एब्रीवेशन है आपकी, ये ध्यान से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाली सारी इंपॉर्टेंट है। AWHFY Are we having fun yet? किस, सभी बच्चे जानते हैं किस क्या होता है भाई, Keep it smile stupid। ठीक है, QL quit laughing, 2G for you ये ईमेल के एब्रीवेशन है, ईमेल में यूज करते हैं, Too good for you, GMTA great mind think alike, Gal get a life, J4F ये यूज करते हैं हम जस्ट फॉर फन के लिए, आर यू ओके के टाइप करते हैं RUOK, ये सारी आपकी ईमेल की एब्रीवेशन है जो ईमेल में यूज करते हैं। सभी बच्चे इसको अच्छे से लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे, तब तक याद नहीं हो जाता सभी बच्चों को। अब देखो ये पेपर में आया हुआ है भाई, आपको ये पेपर में आया था, वट यू सी, WYSIWYG, देखो W मत मीन्स वट यू सी इज वट यू गेट, वट यू सी इज वट यू गेट, TIC टोंग इन चिक, SITD स्टील इन डार्क, YYSSW या श्योर वट एवर, TZZZ स्लीपिंग बोर्ड टायर्ड, हैंड हैव ए नाइस डे, कल सी यू लेटर, AFAI की एज फार एज आई नो, FW यूज फॉर फॉरवर्ड। तो ये इसको एक बार लर्न करेंगे साथ की साथ में सभी बच्चे। हाँ ये भी ईमेल के एब्रीवेशन है भाई, इनको भी देख लेंगे, मैक्सिमम मैं पीछे करवा चुका हूँ इनमें से सभी बच्चों को, तो एक बार इसको रिवाइज करेंगे सभी को। LOL यूज करते हैं ना मैक्सिमम बच्चे, LOL यूज करते हैं मीन्स लाफिंग आउट लाउड, ये स्माइली फेस है, ये आप सभी बच्चे जानते हैं, सभी व्हाट्सएप यूज करते हैं, ये इमोशंस के लिए यूज होते हैं, स्माइली फेस, क्राइंग फेस, ग्रीनिंग, सैड फेस, विंकिंग, येलिंग, तो ये आपको पता ही होगा सभी बच्चों को, क्योंकि पूरा दिन हम व्हाट्सएप ही करते हैं और करते हैं क्या है। अब देखेंगे पेन मतलब आप जो पैन कार्ड बनाते हो, ये इंपॉर्टेंट है, परमानेंट अकाउंट नंबर, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल जो मोबाइल के आप सिम लेते हो, ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, IFC कोड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, FSSI AI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, Wi-Fi वायरलेस फिडिलिटी, Google ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, Yahoo येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ओरेकल, विंडो की है इसी प्रकार, कंप्यूटर मतलब कॉमन ओरिएंटेड मशीन। ठीक है, सभी बच्चों को पता है। इसके बाद आती है अमोल्ड स्क्रीन, आजकल जो भी मोबाइल है आप सैमसंग का यूज करते हो, कोई भी सुपर अमोल्ड स्क्रीन के आते हैं, अमोल्ड मतलब एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, IEMEI नंबर मिलता है आपको, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ESN नंबर मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर याद करोगे सभी बच्चे, UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई के लिए यूज होता है, UPS HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस,
VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, APN एक्सेस पॉइंट, लाइट एमिटिंग डायोड, डिजिटल लिविंग नेटवर्क अलायंस। देखो HS क्या होता है, हॉटस्पॉट होता है, ठीक है। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसके अंदर भी कोल्ड देखो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज होता है। एम एम्बिशन इन माइंड, डेट डे एंड टाइम एवेल्युएशन, टी जैसे आप चाय पीते हो ना टी, टेस्ट एंड एनर्जी एडमिटेड, पेन जैसे हम लिखते हैं, पावर इन रीच्ड इन निब। तो ओके का फुल फॉर्म क्या होती है भाई, ऑब्जेक्शन किल्ड। बाय मीन्स बी विद यू एवरी टाइम, किसी को बाय कहते हैं ना, मीन्स बी विद यू, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। स्माइल करते हैं, फुल फॉर्म क्या आती है, स्वीट मेमोरीज इन लिप्स एक्सप्रेशन। एक इसके अंदर आएगी ETC, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, हम कोई भी चीज़ याद करते लिखते ना बाद में ETC, और याद नहीं आ रहे भाई, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। अब इसके अंदर हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे SKI की फुल फॉर्म पूछ ली, SKI की फुल फॉर्म क्या होगी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नीम सीट की पूछ ली भाई, ये तो आप सभी को पता है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी है कि अगर किसी बच्चे को आता भी नहीं है तो मेरे को मैसेज करेगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा मैसेज बॉक्स में, ठीक है। ये पता होना चाहिए सभी बच्चों को जो भी खासकर UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं। DVD डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, SMTP सिंपल लेयर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, USB यूनिवर्सल सीरियल बस सेकेंड ऑप्शन है। DVD ये कह लिया आपने, आ चुका है UG, क्या था आपका, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, SKI अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर, CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, MOOC टेस्ट, ये तो पता होना चाहिए MOOC स्टैंडर्ड क्या होते हैं, ये भी आप लोगों के लिए मैं रख देता हूँ असाइनमेंट होमवर्क। ये बच्चे मेरे को मैसेज करेंगे सभी बच्चे, फिर मैं इसका रिप्लाई करूँगा। WW पता ही है, वर्ल्ड वाइड वेब, CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, DPI डॉट्स पर इंच, ये देखो मैंने बताया था ना, ये पेपर में आ चुका है, What you see is what you get। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही था, अगले लेक्चर में फिर मैं आऊँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, थैंक यू वेरी मच।